गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो आप लोग? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे हो। और अब आप लोगों ने साथ के साथ पढ़ाई भी चालू कर दिया होगा। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, उसके बाद शायद आपको वीडियो लेक्चर कुछ मिल नहीं रहे थे, ठीक है। तो वो लेक्चर कुछ अपना अनकम्प्लीट भी रह गया था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आ गई थी, ठीक है, और कुछ अर्जेंट वर्क था, मैं आपको कंटिन्यूटी लेक्चर प्रोवाइड नहीं करा पाया। आज उसी लेक्चर से थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। मैं पहले उस टॉपिक को रिवाइज कर देता हूँ, काफ़ी दिन हो गए इसको पढ़े हुए। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियॉन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनते हैं। ओके, न्यूक्लियॉन्स किससे मिलकर बनते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स से। प्रोटॉन आपका पॉजिटिव, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, यानी न्यूक्लियॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, नील्स बोर, जिन्होंने बताया कि न्यूक्लियॉन्स के चारों ओर ऑर्बिट रहते हैं, एक गोल घेरे से रहते हैं, जिसको ऑर्बिट उन्होंने नाम दिया और बताया कि जिस पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। फिर स्टूडेंट्स, ये तो अपना हो गया इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। फिर बोला था हमने कि प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियॉन का नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे और एटम जो होता है हमारा न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ हमने टॉपिक्स बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी और हम पढ़ रहे थे, उसी टॉपिक को आज मैं कंटिन्यू करते हुए अगला आप कुछ एक नया टॉपिक चालू कर रहा हूँ, समझिएगा। स्टार्टिंग जो आपको पहला लेक्चर मिला था उसमें मैंने कुछ आपको एलिमेंट्स के बारे में बोला था कि 1 से 20 तक मैंने एलिमेंट्स लिखे थे और आपसे बोला था मैंने कम से कम आपको 30 लर्न करना है। और आई होप यू आप लोगों ने लर्न भी कर लिया होगा और पढ़ाई भी चालू कर दिया होगा, ठीक है। तो इसी थोड़ा सा टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं हम कि एलिमेंट्स में हमें पता लगाना है उसमें प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो कैसे पता चलेगा किसी भी एलिमेंट्स को हम कैसे पता लगाएंगे? तो उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है, एक फॉर्मूला डिनोट किया गया है एक्स नीचे जेड और ए, ठीक है। ये सिंबल के रूप में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो एक्स है आपका वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, जो आपका यहाँ पर एक्स है वो आपका एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, जो आपका जेड है यहाँ पर जेड मैंने लिखा है वो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर याद है जैसे हाइड्रोजन फर्स्ट पर, हीलियम सेकंड, तो वो उसका एटॉमिक नंबर है, तो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड जो इसका पॉइंट है ए, वो आपका एटम्स के मास नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे आपके सामने एक सोचने वाली बात है, मास नंबर क्या है? तो मास नंबर के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, मास नंबर के बारे में आपको डिटेल से बताऊँ क्या होते हैं, लेकिन फिलहाल अपन को ये ध्यान रखना है कि ए जो आपका है वो मास नंबर है, ठीक है। तो ये आपका हुआ, ठीक है। अब समस्या ये है कि प्रोटॉन हमें कैसे पता चलेगा, समझिएगा। जो एटॉमिक नंबर आपको पता लगाना है, सॉरी एटॉमिक नंबर लर्न करना है आपको, ठीक है। अब प्रोटॉन का पता कैसे चलेगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन उसके एटॉमिक नंबर के इक्वल रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, समझ गए? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स जो होते हैं वो उसके एटॉमिक नंबर के इक्वल रहते हैं। आगे मैं यदि बात करूँ एस मास नंबर हमें कैसे पता चलेगा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, वही क्या कहलाएगा आपका? इसका मास नंबर कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर रहता है। तो ऐसे करके आप किसी भी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जानकारी कलेक्ट कर सकते हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो। एक और फॉर्मूला जो यहाँ पर अनकम्प्लीट रह गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यदि आपको निकालना हो तो मैं लिख देता हूँ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होगा मास नंबर माइनस जेड क्या है आपका एटमिक नंबर, माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो किसी भी एलिमेंट्स का प्रोटॉन उसके एटमिक नंबर के इक्वल होता है, उसका मास नंबर उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम ऑफ के इक्वल होता है, और उसका जो न्यूट्रॉन होगा उसके मास नंबर में से जब उसको एटमिक नंबर मास नंबर में से जब उसके एटमिक नंबर या प्रोटॉन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका न्यूट्रॉन्स आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जो होता है प्रोटॉन के इक्वल रहता है। आई होप यू आप लोगों को समझ में आ रहा होगा टॉपिक का सा। नाइन्थ वाले उनके लिए फर्स्ट टाइम है तो वो लोग भी तो ध्यान से समझेंगे इन टॉपिकों को, आपके लिए फर्स्ट टाइम है, पहली बार आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में सुन रहे हो, तो आपको केयरफुली तरीके से आराम आराम से इन टॉपिकों को क्लियर करते हुए जाना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग टाइम में जैसे जैसे आपकी हायर क्लासेज में जाते जाओगे आपके टॉपिक बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो एक मैं इसी पे मैंने क्वेश्चन तैयार किया है, समझिएगा। सोडियम
नीचे मैंने जेड लिखा है, जेड की वैल्यू, और ऊपर ए की वैल्यू लिखा है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल के माध्यम से मैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना आपको सिखा देता हूँ। यहाँ पर जो जेड है अपना, ये जेड को डिनोट करेगा जो आपका एटॉमिक नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, जो ये जो ए को डिनोट कर रहा है, यानी ये मास नंबर है इसका, सोडियम का 23 होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोटोन 11 है, कैसे पता चला? मैंने बताया था नंबर ऑफ प्रोटोन उसके एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं, तो एटॉमिक नंबर 11 है तो प्रोटोन भी 11 ही होगा, यानी ये एटॉमिक नंबर के इक्वल रहता है। न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है A-Z, समझे? A-Z अभी मैंने आपको बताया था, ए आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला, A-Z, ए आपका मास नंबर है और जेड एटॉमिक नंबर है, माइनस करेंगे। अब यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है? 23। जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, जब सबट्रैक्ट करेंगे 23 में से सबट्रैक्ट किया तो आपका 12 आ गया। अब इलेक्ट्रॉन जो होगा वो उसके प्रोटॉन के बराबर होगा, यानी इलेक्ट्रॉन जो है इसमें 11 है। तो आप लोग एक क्लियर समझ गए होंगे कि प्रोटॉन 11 है इसमें, इलेक्ट्रॉन भी 11 है और न्यूट्रॉन इसमें 12 है। ऐसे करके हम किसी भी एलिमेंट्स का, किसी भी एलिमेंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि किस एलिमेंट्स में कितने एटम्स होंगे, कितने एटमिक नंबर क्या होगा, न्यूट्रॉन्स क्या होगा, प्रोटॉन क्या होगा, और वगैरह वगैरह जो भी इन्फॉर्मेशन है उन इन्फॉर्मेशन को हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो और भी कई सारे एग्जांपल है तो आप इससे कलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद जो आपका एलिमेंट्स आता है, मिनिमम ये आपको 30 एलिमेंट्स लर्न होने चाहिए, कम से कम आपको लोगों 9th-10th क्लास हो तो मिनिमम, मैक्सिमम तो आप कितने भी 118 तक एलिमेंट्स होते हैं कम से कम। मैंने आपको पहली जो लेक्चर में बताया था कि 20 एलिमेंट्स मैंने आपको बोर्ड पे राइट कर दिए थे, उनके सिंबल भी आपको राइट करने थे, उनका एटॉमिक नंबर भी आपको राइट करना था, ठीक है। लेकिन 20 से कुछ नहीं होता, कम से कम आपको 30 लर्न होना चाहिए। एटॉमिक नंबर क्या है उनका, सिंबल क्या है उनका, सिंबल जैसे सोडियम को Na से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट डिनोट करेंगे अपन, हाइड्रोजन को S से करेंगे, हीलियम को HE से, ऑक्सीजन को O से, तो ऐसे आपको 30 तक लर्न होना चाहिए। तो ये आपका टॉपिक था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि कैसे अपन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालेंगे, कौन कौन से एटम्स में पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं एटम्स में पार्टिकल्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। न्यूक्लियॉन्स में क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। न्यूक्लियॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद जो उसके बाहर चारों बाहर की तरफ एक ऑर्बिट प्रेजेंट रहता है, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियॉन्स है, उसके चारों तरफ ऑर्बिट प्रेजेंट, इस ऑर्बिट को पर इलेक्ट्रॉन आपका प्रेजेंट रहता है, ठीक है। दोनों आपस में एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। तो ये तो आपका आज का एटॉमिक स्ट्रक्चर था। उसके बाद और भी मैं कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ, जैसा कि 10th वाले बच्चों की एग्जामिनेशन मैंने हर वीडियो लेक्चर में आपको बताते जा रहा हूँ। आपका एग्जामिनेशन का टाइम फिक्स रहेगा, जो मार्च में रेगुलर लगता आ रहा है एग्जाम, उसी टाइम पर आपका एग्जाम लगेगा। तो आप लोगों ने यदि अभी तक पढ़ाई चालू नहीं करी है तो पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करते जाइएगा, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई के बिना, मैं बार बार हर लेक्चर में आपको 2 या 3 लाइन्स में बता रहा हूँ कि पढ़ाई के बिना कुछ भी यदि बोलेंगे कि हम आगे बढ़ जाएंगे तो वो ऐसा संभव नहीं मान सकते। इस पे यदि मैं कुछ आपको एग्जांपल भी बताऊं मैं कि पढ़ाई से रिलेटेड कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्यों आज का टाइम ऐसा आ चुका है, यदि हम ऑनलाइन एजुकेशन से नहीं जुड़ रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन में हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो हम आपके लिए पहले छोटे छोटे वीडियो कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। मैंने पहले बोल दिया था आपको बुक लेके पढ़ना है, बुक में से आपको टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। यदि आप बात करोगे कि इस समय हमारे पास पोजीशन नहीं है, हमारी कंडीशन अच्छी नहीं है, तो वो एक जरिया नहीं है एजुकेशन को रोकने का। यदि आप हम बात करें APJ अब्दुल कलाम के बारे में, हमने सभी ने सुना है, एक गरीब परिवार, गरीब तबके से बिलोंग करते थे, उनकी फैमिली के इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत कमज़ोर थी। पढ़ा भी आप लोगों ने होगा कि कितने गरीब परिवार से, मछुआरे परिवार से बिलोंग करते थे, ठीक है, और आज हमारे एक महान साइंटिस्ट हुए। उनके परिवार के बारे में जब आप उनकी बायोग्राफी पढ़ोगे तो उनके बताया जाता है कि उनके परिवार में जो उनके फैमिली मेंबर्स थे, मछलियां बेचकर उनकी एजुकेशन कंप्लीट कराई उन्होंने, उनके फैमिली मेंबर जो भी पेरेंट्स थे, जिन्होंने भी उनकी, उन्होंने अपने, जब उनको एक विश्वास था कि हमने अपने
पढ़ाना इसको, ठीक है, पढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी फाइनल से कंडीशन चाहे कैसी भी थी हार नहीं मारा उन्होंने। अब्दुल कलाम जी ने स्वयं अखबार बेच बेच कर अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया, कभी भी उन्होंने गलत रास्ता नहीं सुना कि गलत रास्ते पे भटक गए, ठीक है। तो उन्होंने अपनी एजुकेशन को किसी न किसी तरीके से कंप्लीट किया। यदि आज वो उस समय परिस्थितियों से हार जाते तो आज हमारे भारत को एक महान साइंटिस्ट नहीं मिल पाता। दूसरी बात, एजुकेशन से मतलब हुआ, मेरा पेरेंट्सों से भी रिक्वेस्ट है कि आप कोऑपरेट करिए, नहीं करोगे तो हमारा कुछ नहीं होगा, आप अपने बच्चे का ही नुकसान कर रहे हो। क्योंकि एजुकेशन से यदि ज़्यादा लंबे टाइम तक हम हटते जाएंगे तो जो भी आपके बच्चों ने पढ़ा है पिछले टाइम, जो भी अब तक पढ़ाई करी है, कोई 6 या 7 8 महीने का गैप हो जाएगा तो हम उसको धीरे धीरे भूलते जाएंगे। और जब आप ऑफलाइन क्लासेज में जुड़ोगे तो हो सकता है आपको 1, 2 या 3 महीने पुरानी चीज़ों को रिवाइंड करने में टाइम लग जाए। एजुकेशन सही जगह से हमें मिल रही हो, प्रॉपर तरीके से उसका हम अप्लाई कर रहे हो तो सक्सेस हो पाती है, ठीक है। हमने हमारे महाभारत में, रामायण में, कई कालों में एजुकेशन के बारे में बताया गया था। कहते हैं रावण बहुत पढ़ा लिखा इंसान था, बहुत पढ़ा लिखा विद्वान था, हर प्रकार की उसने एजुकेशन को प्राप्त कर लिया था। समस्या ये थी कि उसने उस एजुकेशन को सही तरीके से अप्लाई नहीं किया, और अप्लाई नहीं किया तो जो जो उसने वरदान प्राप्त किए थे अलग अलग भगवानों से, वो सब उसको, सभी ने उसको साथ समय पर नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसने शिक्षा को गलत तरीके से ग्रहण किया था। तो ऐसे में आप लोगों से बोलना चाहिए, एजुकेशन से आप कभी भी दूर मत भागिए, पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन हम इनसे दूर नहीं भाग सकते। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में हम सभी जानते हैं, वो भी एक गरीब तबके से परिवार से बिलोंग करते थे, ठीक है, लेकिन आज विश्व के सबसे ज्ञानी व्यक्ति माने जाते हैं। कैसे? उन्होंने 19 उपाधि हासिल कर चुके हैं वो, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी थी। तो आज से 4 या 5 साल पहले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च करवाया कि अब तक विश्व में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान कौन है। तो उन्होंने जब मतलब हमारे कॉलेजों से पढ़े अब तक ऐसा कौन सा इंसान है जो सबसे ज़्यादा पढ़ाई कंप्लीट करी है, तो पाया उसमें कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अब तक विश्व के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति है, क्योंकि उनने 19 डिग्रियाँ कंप्लीट करी। अब ये बताओ, उनकी स्थिति कमज़ोर थी, क्या वो अपनी स्थिति उस समय हार मान जाते तो पढ़ाई पूरी कर पाते, एजुकेशन को कंप्लीट कर पाते? नहीं, उन्होंने समाज से लड़ा, पढ़ाई उनको करना था, एजुकेशन को कंप्लीट किया, आज वो दुनिया के सबसे पढ़े लिखे इंसान माने जाते हैं, और हमारे कानून मंत्री भी रहे, भारत के संविधान के जनक माने जाते हैं वो। तो आवश्यकता या आविष्कार की जननी है। आज से 3 या 4 महीने पहले कोई जान कंपलसरी नहीं था मास्क, लेकिन आज हमें खरीदना पड़ रहा है क्योंकि हमें अपना जीवन बचाना है। मास्क पहनते हैं हम, बार बार हाथ धोते हैं, ठीक है, लेकिन जीवन बचाने के साथ साथ हमें अपनी पढ़ाई को भी जारी रखना है। को जीवन निर्वाह का एक साधन एजुकेशन है, तो उस एजुकेशन को बनाए रखने के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्लासेज को कंटिन्यू लेते रहिएगा, जो भी बुक्स वगैरह आपको बताई गई है उनको उनसे टॉपिक को क्लियर करते रहिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप यू आप लोगों को आज का वीडियो कंप्लीट समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी इसमें प्रॉब्लम रहती है, डाउट रहती है, तो आप पहले वीडियो को 2 से 3 बार रिवाइंड करके देखिएगा और बुक भी सामने रखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप यू आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर अटेंड दिस सेशन, थैंक यू स्टूडेंट्स।